अपने रामायण में रावण के मरने के बाद पहले ये लोग ऑस्ट्रेलिया जो है वो रावण का अस्त्रालय था, और वहां वो जाने के बाद वहां से वो अपने राज्य को ढूंढते हुए जब आए तो वो वाली पहुंचे, और वहां वाली का एक श्रेष्ठ मंदिर, वाली के मरने के बाद सुग्रीव का भाई ही वाली था और अंगद का पिता और तारा का प्रिय रहने के कारण उन सभी ने निर्णय किया कि हम सब लोग यहाँ आए हैं तो हम इसका नाम वाली ही रखेंगे, और वो वाली रखा गया। समुद्र के तट पर हिंदू, अगर हम हिंदुत्व को वहाँ पूरे मंदिर के रूप में देख सकते हैं तो वहाँ ही देख सकते हैं, मैंने वहाँ देखा। और वहाँ के तारा मंदिर में लोग कहते हैं कि वो तारे तु तारे तुरे सुहा चीना यान का मंत्र है, चीनायन का चीन में इस मंत्र को तारा के बारे में किया जाता है, और उनकी तारा आराध्य देवता है, जैसे हिंदू धर्म में लक्ष्मी है और बौद्ध धर्म में तारा है, तो जैन में पद्मावती है, ये लक्ष्मी साधनाओं की लक्ष्मी देवियाँ कहलाई जाती है। तो इस साधना को वहाँ संपन्न करने पर बहुत ही एक प्रकार की साधना का एक उच्चतम स्टेज, एक उच्चतम प्रतिष्ठा, एक उच्चतम कार्य देखने को मिला कि वहाँ केवल इस मंत्र को बोलने के बाद ही सुगंध का निर्माण आता है। वो बहुत पहाड़ पर तारा का मंदिर है, मैंने वहाँ देखा है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि तारा सिद्ध करने के लिए वशिष्ठ महर्षि को इतना समय लगता है तो हम आज कहाँ हैं। लेकिन मेरी इच्छा है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने कहा था कि जो तीन महाविद्या सिद्ध करता है वो तो दस महाविद्या सिद्धाश्रम के द्वार पर तो जा सकता है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के एक शिष्य थे वामांग, उनको कुछ भी नहीं आता था, केवल गुरु मंत्र के सिवा कुछ दूसरा कुछ ज्ञान नहीं था। वो भी गुरु जी एक बार हिमालय में साधना करते समय वो आए और गुरु जी की 40 दिन तक उन्होंने सेवा की। तो गुरु जी ने कहा कि वामांग मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तो यहाँ यहीं रह जा। तो गुरु से इतने आकर्षित हुए कि गुरु जी के साथ आना चाहते थे। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं सिद्धाश्रम जा रहा हूँ, वहाँ तू नहीं आ सकता, नहीं आ सकता तो प्रभु मैं नहीं आ सकता, तो मैं आज क्यों, मेरे प्राण यहीं क्यों छूट गए, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। गुरु ने कहा तुम गुरु मंत्र रखकर रहो, मैं तो आकाशमार्ग से उड़कर चला जाऊँगा, सिद्धाश्रम का रास्ता बताता हूँ, तो उस रास्ते से वहाँ आ जाना। तो उसने कहा प्रभु आप कुछ भी कहो मैं तो आता हूँ, और साष्टांग नमस्कार करते हुए केवल गुरु मंत्र करते हुए सिद्धाश्रम के द्वार पर पहुँचा। सिद्धाश्रम के द्वार पर जैसा ही पहुँचा, सिद्धाश्रम के जो भी रक्षक द्वारपाल थे उन्होंने रोका कि ये महाराज कहाँ जा रहे, कहाँ से आए हो तुम? तो उन्होंने उसको भाषा भी नहीं आती, उन्होंने एक ही बात कहा मैं स्वामी निकेश्वर जी के कहने पर सिद्धाश्रम आया। तो उन्होंने कहा सिद्धाश्रम में प्रवेश, तीन महाविद्या सिद्ध हो तो आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। गुरु के प्रति समर्पित शिष्य था, और उसने साष्टांग नमस्कार करते हुए कम से कम सौ किलोमीटर जो नेपाल का रहने वाला था वह साष्टांग नमस्कार करते हुए पहुंचा। उसको पहुंचने के लिए कहते हैं कि 3 साल लगे, 3 साल में वो सिद्धाश्रम के द्वारपाल द्वार पर पहुंचा, और वहां उसने प्रार्थना की तो उसके आंखों में आंसू आए जब द्वारपाल ने रुक गया और कहा कि तुम्हें अंदर नहीं आने देता, जिसको दस महाविद्याएं सिद्ध है वही अंदर आ सकता है। उसने कहा मेरे को स्वामी निखिलेश्वर जी के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं मालूम, दस महाविद्या किसे कहते हैं? तो गिनने लगा, उसने कहा काली, कहते हैं कि उसने आंख मोच लिया और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का स्मरण करके मंत्र कहा। जैसा ही उसने काली कहा काली प्रत्यक्ष हो गई, उसने कहा तारा, तारा प्रत्यक्ष हो गए, भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी प्रत्यक्ष हो गए। ये तो आंखें मुझे बैठा था केवल गुरु मंत्र के लिए, उसकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी, और द्वारपाल देख रहा था कि जैसे दस महाविद्याओं के नाम ले रहा था वो महाविद्या आकर सारी खड़े हो गए, वो डर के भाग गए अंदर। बोले उसको गुरु मंत्र दस महाविद्या के मंत्र नहीं आते, केवल गुरु मंत्र आता है, खड़ा हुआ है, जैसा ही नाम लिया दस महाविद्या सिद्ध हो गए। और बाहर से अंदर से आवाज आई स्वामी स्वामी जी कि उसे तू अंदर भेज दे, उसे अंदर भेज दे, वो मेरा शिष्य है। जब तक जैसे अपने को लाइसेंस होल्डर होते हैं या अपने को कोई मालूम है, सिद्धाश्रम का कोई भी योगी अगर अपने को पहचानता है तो ही हमें सिद्धाश्रम में प्रवेश मिलता है, नहीं तो प्रवेश नहीं मिलता। वैसे तो हमारे जाने पहचाने संचालक रहे हैं स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, अगर हम दशमान विद्याओं में महाविद्याएं करते हैं तो मेरा भी विश्वास है कि हम भी उसी क्रम में उसी श्रद्धा के साथ उसी भावना के साथ वहाँ पहुँच सकेंगे। कभी भी दशमहाविद्या साधना करने से पहले एक बात याद रखो, मैं यहाँ करवाऊंगा तो आपको यूं ही नहीं, दशमहाविद्या साधना करने से पहले अपने को अंतर बाह्य शुद्धि करनी पड़ती है। पहले 2 दिन पहले आपको केवल पंचगव्य लेकर, पंचगव्य का मतलब होता है गाय का दूध, गोमूत्र, गोमय, गाय का घी और गाय से निकला हुआ मक्खन, इन 5ों को पंचगव्य कहा गया है। गोमूत्र, गोबर, दही, दूध और घी, इसको पंचगव्य कहते हैं। इन पंचगव्यों को दर्भ के साथ मिलाया जाता है विशेष मंत्रों से।
इस पंचगव्य को स्वीकार करने के बाद 10,000 गायत्री मंत्र जप किया जाता है। संकल्प ये करते हैं कि हम दशमाविद्या की साधना कर रहे हैं और दशमाविद्या की साधना के लिए 10,000 मंत्र होने के बाद तीसरे दिन से दशमाविद्या का जो मंत्र साधना करना चाहते हैं, क्योंकि दशमाविद्या की बहुत सारी साधना है, केवल भुवनेश्वरी बगलामुखी और तारा को छोड़कर तारा सुबह और शाम में कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब साधनाएं रात्रिकालीन साधनाएं हैं। इसके लिए सुबह से केवल दूध पे रहते हुए दशमाविद्याओं का 1,00,000 मंत्र जप जो करेगा तो उसको मुझे विश्वास है कि सिद्धि तो नहीं, काली तो जरूर उसको प्रत्यक्ष होगी और कहेगी कि तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी और साधना का एक विधान है। मैंने ऐसी ही साधनाएं संपन्न की। दशमाविद्या करने से पहले 2 दिन पहले ही अपने को अपने शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है। शरीर की शुद्धि का अर्थ होता है कि आप अगर खाना खाते हैं तो आपके पेट में मैल आएगा ही आएगा और मैल आएगा तो अंतर शुद्धि नहीं होगी, इसलिए आपके शरीर को पहले 2 दिन पहले ही धो लिया जाता है। पंचगव्य को लेकर आप 2 दिन अपने शरीर को धोएंगे और मंत्र के माध्यम से शरीर को पुलित करेंगे, वो गायत्री मंत्र होगा। जिस दस महाविद्या को आप करना चाहते हैं उस महाविद्या की गायत्री का 10,000 जप मंत्र करना होगा। उसके बाद से तीसरे दिन से मंत्र जप को आरंभ करना होगा और 1,00,000 जप मंत्र जप पूरा होगा। आपको मैं निश्चित देता हूँ नवरात्रि में इस साधना को पूर्ण करने वाले मेरे साथ सिद्धाश्रम आएंगे, आप जरूर इस विधान के साथ साधना करेंगे। ये साधना का विधान है, उसकी आहुति मैं निखिल धाम और निखिल चेतना केंद्र में आपका जप पूर्ण होने के बाद यहीं मैं स्वयं करवाऊंगा और मुझे तृप्ति होगी कि आपने साधना संपन्न की है और मैं आपके साथ मेरे साथ आपको हिमालय ले जाऊंगा। इस वादे के साथ मैं आगे का कार्यक्रम क्या करना है ये भी बताता हूँ। मेरे साधक, मेरे प्रिय, मेरे परिवार, जिन लोगों ने भी पालकी लेकर आए हैं मैं उनको तो कुछ नहीं कर सकता। हर बार की तरह इस बार भी स्वामी कृष्ण जी को कहता हूँ कि मेरे तरफ से मेरे परिवार के लोग हैं। जैसे हमारे पास दशहरा या दिवाली आती है तो परिवार का मुख्य उनको नए कपड़े पहनाता है या उनको नया भोजन देता है। नए भोजन की तैयारी तो कल होगी, आज उनको नए कपड़े देता हूँ। जो पालकी लेकर आए हैं उन सभी को परम पूज्य सद्गुरु, मैं दे रहा हूँ ये कहना बहुत गलत बात है, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मेरे परिवार के आप सदस्य हैं, वहाँ से चलते हुए आए, आप मेरी शान है, निखिलेश्वरानंद जी की शान है, आपको यह देना मेरा कर्तव्य। ये बहुत छोटी सी बात है जो आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ, जिसको ये नहीं समझना कि मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, एक केवल प्रसाद के रूप में दे रहा हूँ। कल आप वो कपड़े पहनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी गुरु पूर्णिमा के दिन, अभी उसका कार्यक्रम होगा। जो पालकी से आए हैं उनको उस उन वस्त्रों को परम पूज्य सद्गुरुदेव का प्रसाद समझ कर दिया जाएगा, वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। पालकी से जो लोग आए हैं वो लोग एक तरफ आकर खड़े हो जाए, एक तरफ हो जाए, जो पालकी से आए हैं उनके उनके पालकी के मुख्य जो है उनके साथ अपने अपनी जगह खड़े हो जाए, उनको उनका लिस्ट दत्तु भैया के पास है, उनको वस्त्र प्रदान किए जाएंगे, वो लोग एक तरफ आ जाए, एक तरफ आ जाए।